रामधारी गुप्ता उच्च गति अभ्यास खंड दो प्रतिलेखन संख्या 13, 14 व 15 गति 120 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय निस्संदेह ही आज भी हम भले ही कई मुश्किलों का सामना कर रहे हों फिर भी हम 1991 के उन दिनों जैसी स्थिति में नहीं हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमने काफ़ी भरपाई कर ली है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। श्री राव के नेतृत्व के बिना यह संभव नहीं था। अब यह अटकल लगाना व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण भी है कि कोई और नेता होता तो क्या कुछ ज़्यादा और बेहतर किया जा सकता था या नहीं। तथ्य यह है कि वही नेता थे जिनके कारण हम एक ऐसी स्थिति तक पहुंच गए हैं जो देश और उनकी तरक्की के लिए निरापद है। हम जिस अवधि से गुजरे हैं वह बहुत मुश्किल और हलचलपूर्ण थी। सोवियत संघ के पतन और विघटन से हमारी जो कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी उसका आधार ही खत्म हो गया। ऐसा लगता है कि हमारे देश में कुछ लोग इस घटना का पूरा मतलब नहीं समझ पाए हैं। बेशक यह कम्युनिस्टों और आधुनिक समाजवाद के अन्य समर्थकों के लिए बेहद चिंता का विषय था। इससे उन सभी निष्पक्ष देशभक्तों को काफ़ी दुख हुआ जिनके लिए सोवियत संघ अच्छा मित्र था और अकेली विदेशी शक्ति थी जो हमेशा हमारे साथ खड़ी होती थी। उससे हमें काफ़ी नैतिक और भौतिक समर्थन भी मिला था। हमारे देश में सोवियत संघ के तमाम मित्रों में भी सभी लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आर्थिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के हिसाब से इसका क्या मतलब था और है। जब हमें सख्त ज़रूरत थी तो कोई ऐसा नहीं था जिसकी ओर हमें देखते घबराने और अपने देश को दिवालिया राष्ट्र घोषित करने के बजाय प्रधानमंत्री ने मुश्किलों का डटकर मुकाबला किया, हमें इस संकट से निकालने की व्यवस्था की और साहस के साथ देश को एक नए आर्थिक रास्ते पर अग्रसर किया। पैरा कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसकी मोटी रूपरेखा न बना ली होती तो बेशक यह संभव न हो पाता। इस घोषणा पत्र के मुख्य निर्माता स्वयं राजीव गांधी थे और इसे तैयार करने में श्री राव उनके मुख्य सहायक थे। स्टॉप देश को संकट से उबारने और नए आर्थिक रास्ते पर ले जाने में बेशक मनमोहन सिंह की देशभक्ति विद्वत्ता और ख्याति महत्वपूर्ण कारण थे। नई आर्थिक नीति जनता के हित में नहीं है इस काल्पनिक तथ्य को लेकर काफ़ी हंगामा मचाया जा रहा है। इसके उलट अगर उसे अपेक्षित ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है तो इसकी वजह यह है कि जनता के नाम पर हर तरह की आंशिक और कॉरपोरेट मांगें पूरी की जा रही है। प्रधानमंत्री ने दो महत्वपूर्ण तरीकों से नई आर्थिक नीतियां बनाने में अपना योगदान दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने नई नीति लागू करने के लिए मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर दिया है। नए आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने में उन्होंने जो दूसरा महत्वपूर्ण योगदान किया है वह है इसके पक्ष में राष्ट्रीय सहमति बनाना। पैरा महोदय हमारे देश में राजनीतिक विचारों में जितनी भिन्नता है उसके मद्देनजर यह एक असाधारण बात है, जबकि इनमें से ज़्यादातर लोग यही ठाने रहते हैं कि चाहे जो हो और जो भी मुद्दा हो उन्हें विरोध करना है। चुनावों में झटकों और यदाकदा टेढ़े मेढ़े रास्तों के बावजूद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो नई आर्थिक नीति बनाई गई है उसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है। माकपा से लेकर
जनता दल और भाजपा तक आर्थिक क्षेत्र में मूलभूत सुधार के अलावा पंजाब में नाटकीय बदलाव आया है। बंदूक की लड़ाई की जगह अब पूरी तरह बैलेट की लड़ाई ने ले ली है। उस प्रदेश की जनता के लिए यह दूसरी आज़ादी से कुछ कम नहीं है। असम और उत्तर पूर्व के कई हिस्सों में भी ऐसे बदलाव आए हैं, हालांकि वे पंजाब जैसे नहीं हैं। ऐसा समझना कि आतंकवाद का खतरा टल गया है, बेशक गलत होगा, पर जो सफलताएं हमने पाई हैं उन्हें स्वीकार न करना कम गलत नहीं होगा। पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने को भी साधारण काम नहीं समझा जाना चाहिए। इस कदम से महात्मा गांधी के सपने और दिवंगत राजीव गांधी की लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता फलीभूत हुई है। यह संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप लोकतांत्रिक क्रांति को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। इससे हमारे राष्ट्र का लोकतांत्रिक आधार मजबूत हुआ है। पैरा हिंदुत्व के घटते उन्माद का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भाजपा और शिवसेना को चुनावी सफलता भले ही मिल गई हो, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व भी मानता है कि उसका मुख्य कारण कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार, बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी आदि जैसी सामान्य समस्याओं से निपटने में कांग्रेस सरकार की नाकामी थी, न कि सांप्रदायिक भावनाएं। हिंदू सांप्रदायिकतावाद में स्पष्ट कमी आना बहुत बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि है। इन सबसे महत्वपूर्ण है सार्वभौमिक मामलों में भारतीय व्यक्तित्व का फिर से उभरना। इसके आयाम हमारे विदेश संबंधों में आर्थिक अंश की वृद्धि से कहीं अधिक हैं। चीन से संबंध लगातार सामान्य होते जा रहे हैं। भारत ईरान संबंध फिर कायम हो गए हैं। इस तरह दक्षिण अफ्रीका के साथ परस्पर लाभ के सहयोग की नई संभावनाएं बनी हैं। अमेरिका और अन्य विकसित पूंजीवादी देशों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में समुचित ध्यान दिए जाने के बावजूद किसी भी मसले पर हम नहीं झुके हैं। समर्पण की बात तो दूर है, इसमें आर्थिक संबंधों के महत्वपूर्ण स्वरूपों के अलावा रक्षा का क्षेत्र भी शामिल है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है परमाणु अप्रसार संधि के मामले में हमारा अपनी नीति पर कायम रहना, जबकि इसके लिए हम पर कई दिशाओं से भारी दबाव डाला गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को नई नीति देने के प्रयास भी चल रहे हैं। इन सब उपलब्धियों को मिलाकर एक वाकय यह है कि प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा काम यह किया कि हमारे देश में शासन पुनः स्थापित कर दिया और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाया। पैरा महोदय, देश की लगभग 3/4 जनसंख्या गांवों में रहती है, जिनकी आय कम होने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कमजोर वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास एवं गरीबी उन्मूलन भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। ग्रामीण विकास का व्यापक दायरा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र एवं ग्रामीणों के जीवन स्तर का सर्वांगीण विकास शामिल है। इसका अर्थ निर्धनतम लोगों की अपनी स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में उत्पादन क्षमता की वृद्धि है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में पूंजी का निवेश एवं उसका विस्तार, उत्पादक शक्तियों का विकास तथा निर्धन एवं बेरोजगार ग्रामीणों का अर्थव्यवस्था के उत्पादक विकासशील क्षेत्रों में सम्मिलित होना आवश्यक है।
मंत्रालय की गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य गरीबी पर सीधा प्रहार है, जिसके अंतर्गत विशेष मजदूरी रोजगार व स्वरोजगार कार्यक्रम, भूमि सुधार, बंजर भूमि विकास एवं जल संभरण विकास कार्यक्रम है। इनमें स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ग्रामीण स्वच्छता, कृषि विपणन, ग्रामीण आवास है तथा लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा सहायता और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं कृषि विपणन केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था शामिल है। स्टॉप।